आप मियोसिस फर्स्ट के अंत में आपने देखा कि एक सेल से दो सेल बन रही हैं और वो जो दो सेल्स बन रही हैं उन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या 23 है, लेकिन जो उनमें डीएनए का अमाउंट है वो डबल है, मतलब डीएनए के हिसाब से वो सेल डिप्लॉयड है लेकिन क्रोमोसोम के हिसाब से सेल हैप्लॉयड है। मियोसिस सेकंड में होता क्या है कि इन दो सेल से चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जब दो सेल से चार सेल होती है मतलब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो हम इसे मियोसिस सेकंड को माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि एक सेल से दो सेल बनती है और माइटोसिस से जो क्रोमोसोम संख्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो आइए देखा जाए इसके इवेंट्स देखा जाए। तो मियोसिस सेकंड में जब सेल जाती है, जैसे ये आपकी दो सेल्स थी, ये आप देख लें, आपने जब बनाया था ये आपकी सेल्स थी जो आपको क्या कहते हैं कि मियोसिस फर्स्ट के अंत में मिली थी। मान लेते हैं ये दो सेल्स हैं, हम दोनों सेल्स का डिवीजन आपको दिखाते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न ना आए और आप दोनों चीजें अच्छे समझ जाए। ये हमारी दो सेल्स थी जो हमें मिली थी मियोसिस फर्स्ट के अंत में। अब इन दोनों सेल्स को मियोसिस सेकेंड पूरा करना है। ये दोनों जो सेल्स हैं अगर आप इनको ध्यान से देखें, इनमें एन बराबर 23, क्रोमोसोम की संख्या एन बराबर 23 है, लेकिन अगर आप इनमें डीएनए का अमाउंट देखें तो इन दोनों सेल्स में डीएनए का अमाउंट 2c है, मतलब डीएनए के हिसाब से ये सेल डिप्लॉयड है लेकिन क्रोमोसोम के हिसाब से सेल हैप्लॉयड है। इन सेल्स को जाना है मियोसिस सेकंड में और इनको एक हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करना है। फिर से जो बात कह रहा हूँ ध्यान सुने, डीएनए के हिसाब से सेल डिप्लॉयड है लेकिन डीएनए के क्रोमोसोम के हिसाब से हैप्लॉयड है, इसलिए जो सेल्स है ये सेल्स जो है मियोसिस सेकंड में जब इनको डिवीजन में जाना होता है तो इंटरफेज में जाके ये इंटरकाइनेसिस में जाती है। इंटरकाइनेसिस मतलब ये हुआ कि सेल दो फेज पूरा करती है G1 और G2, लेकिन ये सेल यस फेज में नहीं जाती है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इसमें यस फेज होता तो इसे इंटरकाइनेसिस तक कहेंगे, इसे इंटरफेज कहते हैं। तो इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस का डिफरेंस है, इंटरफेज में यस फेज होता है, इंटरकाइनेसिस में यस फेज नहीं होता है। तो ये से अपनी साइज बढ़ाएगी, वैल्यू बढ़ाएगी, सेल आगे सब करेगी, ये सारी प्रोसेसेस इससे पूरा होगी और अब ये दोनों सेल्स फटक से अगले फेज में इंटर करेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कौन सा फेज है, आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है कि ये सेल्स अब पूरे जाएंगी प्रोफेज सेकेंड में। दोनों सेल्स को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये दोनों सेल्स जाएंगी प्रोफेज सेकेंड में जाना शुरू करेंगे। जैसा कि आप प्रोफेज में ऑलरेडी पढ़ते हैं वही पुरानी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, बोलिए हाँ सर बेसिक्स बात है, न्यूक्लियोलस खत्म होना शुरू कर देगा। आप वही बात फिर से लिख दीजिए, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, वही बेसिक सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा। और एक बार और लिख लें बेटा, एनसीईआरटी है लिखना ही पड़ेगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उनका फिर से कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो क्रोमोसोम्स हैं उनका फिर से कंडेंसेशन हो जाएगा, मटेरियल का कंडेंसेशन हो जाएगा। अब ये आप चाहे जैसे जनरल ऐसे फिगर बना दें, इसमें मेन पॉइंट आपको नहीं देखना है, अब आपको अगले फेज में इन दोनों सेल्स को ले जाना है। जब आप अगले फेज में इन सेल्स को ले जाते हैं तो आपको स्थिति कुछ सेल्स के अंदर ऐसे दिखाई पड़ती है, अब ये सेल मेटाफेज सेकंड में चली जाती है, यहां लिखिए अब ये सेल मेटाफेज सेकंड में चली गई। आपको ध्यान रखना है कि जब आपने मेटाफेज फर्स्ट पढ़ा था तो उस सेल में 46 क्रोमोसोम थे, अभी एक एक सेल में 23 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं मेटाफेज सेकंड में। तो मेटाफेज सेकंड का अगर आपको फिगर बनाना है तो आपको पुरानी कहानियों को याद करना पड़ेगा। अगर आपको पुरानी कहानी याद हो तो हमने ये पढ़ाया था आपको कि ये देखिए ये 23 क्रोमोसोम है जिनका क्रॉसिंग ओवर हो चुका है और ये 23 क्रोमोसोम सेल के अंदर ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो आप थोड़ा सा चाहे सेल को और बड़ा कर दें ताकि आप एटलीस्ट तीन क्रोमोसोम बना पाए, आपको देखने में अच्छा लगेगा। आप ऐसे 3 क्रोमोसोम बनाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और दुनिया अच्छा बनने के लिए क्या नहीं कर रही है, एटलीस्ट हम सेल तो बड़ी कर ही सकते हैं, इतना हमें अधिकार है। तो हम अपना अधिकार खुद मानते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, हम बहादुर हैं, हम योद्धा हैं, इस दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, कुछ दिन बाद हमने पूरी प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हम सामान्य नहीं है, हम असामान्य हैं। अगर हम डीएनए क्रोमोसोम समझ गए तो हम दुनिया को
बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वैक्सीन डिस्कवर कर सकते हैं, बहुत सारे बवाल हैं ऐसे जो मन में आ रहा है बोलना चाहूँ, लेकिन आपको नहीं बोलना है। बोलना वही है जो बालू जी कहती है, आप ऐसे बना दें ऐसे। ये वो क्रोमोसोम है जिनकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, इनकी एक आर्म में क्रॉसिंग ओवर हुई है लेकिन दूसरी आर्म में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पर जाएंगे गलती। मनुष्य का एक खास तरह का समझ लें आप जैसे कि स्वभाव होता है गलती करना, अगर कोई गलती भी नहीं कर रहा है तो वो मनुष्य नहीं है। गलती करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए गलती करना है और गलतियों से सीखना है। ये देखिए ये दो तरह के होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे अरेंज हो गए। अब अगर आपको लिखना हो, अगर आप मेटाफेज फर्स्ट और सेकेंड डिफरेंस देखें, मेटाफेज फर्स्ट में आपने लिखा था वहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज होते थे, मतलब फेस फेस के दो सेट थे, लेकिन आप ये देखें ये मेटाफेज ऐसा मेटाफेज सेकेंड है, तो आप ऐसे लिखें क्रोमोसोम्स 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 एलाइन एट इक्वाटोरियल प्लेट। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वाटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए हैं। दोनों को अलग अलग देखेंगे तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, ये भी 23 है ये भी 23 है, डीएनए के हिसाब से इसमें रिक्वायर्ड है, क्रोमोसोम के हिसाब से रिक्वायर्ड है। इस समय अगर आप देखें तो एक सेल को देखना है, दोनों को देखेंगे तो गलत हो जाएगा। मेटाफेज प्लेट की संख्या वहां पर आपने देखा था मेटाफेज प्लेट की संख्या दो थी, यहाँ मेटाफेज प्लेट की संख्या एक है। मेटाफेज प्लेट दो क्यों थी, ऐसे फेज फेज के दो सेट थे, यहाँ पर फेज फेज के एक सेट थे। अब ये सेल मेटाफेज सेकेंड के बाद अब ये सेल चली जाएगी अगले फेज में, उस फेज का नाम एनाफेज सेकेंड है। अगर आपको एनाफेज सेकेंड बनाना है तो आप ऐसे करें, थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से बनाए ताकि दुनिया आपको देखे, गाना वो चले खूबसूरत तो वो इतना कहा नहीं जाता। ये आप ऐसा बना दें लगे कि साइटोकाइनेसिस हो रही है, यहाँ लिखिए ये एनाफेज सेकेंड है, एनाफेज सेकेंड है, ये एनाफेज सेकेंड है, ऐसे आप बना दें। एनाफेज सेकेंड में अगर आप देखें तो आपको ये इम्पोर्टेंट लाइन लिखनी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं किसी स्पेशल चौक से लिखता हूँ कि आपको गलती मार्ग मिल जाए, गलती नहीं करें। यहाँ देखिए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ रखेंगे एनाफेज फर्स्ट जब आपने पढ़ा था तो उसमें सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम था, एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है। जब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है आपको फिगर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा, फिगर को बहुत ही संभाल के बनाना है, नहीं हो जाएगी गलती। अब ध्यान से देखिए तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको इस तरफ दिखाना पड़ेगा कि इस तरफ ये आर्म है जिसका क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, ये देखिए ये आर्म जिसकी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, लेकिन इसकी दूसरी आर्म अगर आप देखें यहाँ पे इस तरह से ऐसे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है। इस समय अगर आप देखें तो आपने कहा था कि इस समय आपको सेल में क्रोमोसोम संख्या डबल दिखाई पड़ती है, लेकिन आपको अभी केवल इतना याद करना है कि यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गई। अगर आप ध्यान से देखें तो इन आर्म्स की क्रॉसिंग ओवर नहीं थी, इन आर्म्स की क्रॉसिंग ओवर नहीं है। इसी तरह से अगर आप इस फिगर में देखते हैं नीचे वाले में देखते हैं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये आर्म्स है जिसमें क्रोमोसोम की जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरी आर्म है जिसकी क्रॉसिंग ओवर हुई है। अगर आप इधर देखें तो ये आर्म है जिसकी क्रॉसिंग ओवर हुई है, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, फिर एक फिगर और बना देना है, और आपको इसमें क्रॉसिंग ओवर वाला एरिया भी दिखाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा किसकी क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जबकि मेटाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। और इस तरह से देखिए, इस तरह से आप देखिए अब से जो है डिवीजन शुरू हो गया। एक बात और लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहते हैं साइटोकाइनेसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, साइटोकाइनेसिस सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए।
इनफ फेज सेकेंड हो गया, फिर आपको अगले डिवीजन में ले चलना है। अगर आप अगले डिवीजन में ले चलते हैं तो अब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, अब आपको दिखाई पड़ेगा टेलोफेज सेकेंड। ऐसे बना दीजिए, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए। अब आपको पेन का भी ध्यान रखना है, अगर आप पेन का ध्यान रखना है इसका बना रहे न्यूक्लियस तो आप ऐसे करिए, इसमें सिर्फ एक तरफ न्यूक्लियस बनाइए, इसमें बनाइए तो इसमें आपको इस पेन के साथ साथ इसमें, क्योंकि वो वाला है तो इसको भी आप दिखा दें। इसी तरह से आप नीचे वाला देखें, अगर आपको ये बनाना है तो आप इसको ऐसे कर दें, लेकिन अगर आप ये बना रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको इस पेन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको ये फेज लिखना है, लिखिए सर ये टेलोफेज सेकेंड है, टेलोफेज सेकेंड है, टेलोफेज सेकेंड में वही पुरानी बात, ऑलरेडी आप जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है, फिर से दिखाई पड़ता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। एक बात और लिखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल डीकंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल डीकंडेंस हो जाता है, मतलब डीकंडेंस माने डीकंडेंस हो जाता है। ये देखिए तभी तो ऐसा देखिए देखना पड़ेगा आपको। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोम में ध्यान रखना है, एक ही बात होती है कि कभी दोबारा नहीं होती है। मेटाफेज एनाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, फेज सेकंड में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है। आइए लास्ट फेज देखते हैं, अगर आप लास्ट फेज देखते हैं तो ये है साइटोकाइनेसिस सेकंड। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई क्या पड़ेगा, अब आपको इस समय चार तरह की सेल्स दिखाई पड़ेगी, इसका डिवीजन होगा, इसका, तो इसका जब डिवीजन होगा तो आपको दो सेल्स दिखाई पड़ेंगी, इसका भी जब डिवीजन होगा तो आपको दो सेल्स दिखाई पड़ेंगी। अब अगर आप इन दोनों सेल्स को देखें तो इनकी स्थिति क्या होगी, इनके अंदर आप न्यूक्लियस भी बना दें ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। अब आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली सेल में इसके रिस्पेक्ट बना रहा हूँ, मैंने क्या किया पूरा इसको ऐसे कर दिया। अगर आप ये देखें तो ये बराबर 23 है और डीएनए इसका हैप्लॉइड है, ये देखिए। इसी तरह से आप इस सेल को देखें ऐसे कर दीजिए, लेकिन आप इसके साथ साथ इसे ऐसे भी कर दीजिए। यहाँ पर भी देखिए ये बराबर 23 है और डीएनए इसका क्या है, हैप्लॉइड है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखे ये भी एन बराबर 23 है और इसका जो डीएनए है वो क्या है, हैप्लॉइड है। ये देखिए यहाँ पर भी एन बराबर 23 है और डीएनए इसका क्या है, हैप्लॉइड है। ये इस तरह से साइटोकाइनेसिस सेकेंड हो जाती है और इस तरह से डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इस तरह से जितनी सेल्स हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जितने भी सेल्स हैं इन सारे सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है, हैप्लॉइड है। अगर आपसे कोई पूछे किसे माइटोसिस क्यों, इसको मियोसिस को माइटोसिस क्यों कहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं, हैप्लॉइड है, वहां पर भी क्रोमोसोम कितने हैं, हैप्लॉइड है, मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डू नॉट चेंजेस, इनकी संख्या डू नॉट रिड्यूस, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या रिड्यूस नहीं होती है। इसमें जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो ये प्रश्न पूछा जाता है, मेनली ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम किस पे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होती है, आपको जवाब देना स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है किस फेज में, मियोसिस सेकंड। एक बड़ा फेज है, मियोसिस एक बड़ा सीक्वेंस होता है, इसमें लोग पढ़ते हैं, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक हेप्लॉइड सेल से चार हेप्लॉइड, एक हेप्लॉइड सेल से गर्भाशय सेल से बनती है। अब ये जो चार सेल्स हैं इन चार सेल्स का नाम क्या है, अगर ये मेल है जैसे स्पर्म कहेंगे, फीमेल है तो ओवम कहेंगे, या आप अच्छी जानते हैं। आज इसका हम लोग इम्पोर्टेंस देखते हैं, चलो बेटा टाइप्स ऑफ मियोसिस देखते हैं हम लोग। पहला मियोसिस देखते हैं, टाइप्स ऑफ मियोसिस में पहला मियोसिस है जिसे हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। तो गैमेटिक मियोसिस माने ये हुआ कि मियोसिस तब हो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, तो आप इसके लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अच्छा गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं तो इसीलिए हम लोग इसे गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन जो आता है आप उसको देख लीजिए, शायद ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर ये मेल है, मान लेते हैं ये मेल है,
तो मेल में क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मान लो ये स्पर्मेटोगोनियम है, आप इस बात को आज जरूर समझ लेंगे, ये स्पर्मेटोगोनियम है मतलब स्पर्म मदर सेल है, तो अगर इसमें मियासिस होती है, मैं सीधे बना देता हूँ, आप क्लास 12 में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। अगर इसमें मियासिस होती है, इसमें गैमेट मदर सेल में फर्स्ट और सेकंड होती है, तो आप कहेंगे सर कितने सेल बनी है, आप कहेंगे सर चार सेल बनती है। इन चारों सेल्स का नाम क्या होता है, इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म दो तरफ होते हैं, क्योंकि आपने यहाँ 44+XY लिखा है, तो ये स्पर्म दो तरफ होते हैं। कौन से होते हैं, देखिए दो तरह के स्पर्म होंगे जिनकी प्लाडी 22+X होगी, दो तरह के स्पर्म होंगे जिनकी प्लाडी 22+Y होगी, मतलब स्पर्म दो तरह के बनेंगे, लेकिन टोटल स्पर्म कितने बनते हैं, चार। लेकिन अगर आप फीमेल में देखें, अगर यही बात आप फीमेल में देखें, ये बात आपको जरूर समझ ली है, नहीं आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अगर आप फीमेल में देखें, इसे ओगोनियम कहते हैं, ओगोनियम अगर आप देखें, तो ओगोनियम में जब मियासिस होती है तो ये आप देखें, इसपे भी चार सेल्स बनती तो जरूर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है आप समझें, एक जो बड़ी सेल बनती है इसे ओबम कहते हैं, लेकिन और जो छोटी छोटी सेल्स बनती हैं, इन सेल्स को हम लोग पोलर बॉडी कहते हैं। तो अगर आप फीमेल्स पे देखें, तो ये जो पोलर बॉडीज है ये आगे चल के सब खत्म हो जाती है, तो फीमेल में एक मियासिस से एक ओबम होती है, जबकि मेल में एक मियासिस से चार स्पर्म बनते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा 50 जायगोट बनाने की कितनी मियासिस होती है, तो 50 जायगोट बनाने हैं, मान लीजिए हमको मान लीजिए 60 जायगोट बनाने हैं, अगर 60 जायगोट बनाने हैं तो हमको 60 स्पर्म चाहिए और 60 ओबम चाहिए, तो 60 ओबम के लिए कितनी मियासिस होगी, 60 होगी, क्योंकि एक मियासिस से एक ओबम बनता है। लेकिन स्पर्म में अगर आप देखेंगे तो 60 मियासिस के लिए यहाँ पर 15 मियासिस होगी। यह क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन करा देता हूँ आपके, आपसे क्वेश्चन है, यह बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए how many meiotic division takes place for formation of 60 जायगोट बनाने के लिए कितनी मियासिस होगी। अब आपको 60 जायगोट बनानी है, अगर आपको 60 जायगोट बनानी है तो आपको कितने स्पर्म ओबम चाहिए, बोलिए 60 स्पर्म चाहिए, 60 ओबम चाहिए। तो अगर आपको 60 स्पर्म बनाने हैं, 60 स्पर्म बनाने हैं, तो 60 स्पर्म बनाने के लिए कितनी मियासिस होगी। 60 स्पर्म बनाने के लिए अगर आप देखें, तो एक मियासिस पे 15, एक स्पर्म में एक बार जब मियासिस होती है तो 4 स्पर्म बनते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो 60 स्पर्म बनाने के लिए आपको 15 मियासिस चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 ओबम बनाने के लिए कितने मियासिस चाहिए, तो आप कहेंगे सर ओबम बनाने के लिए एक मियासिस में एक ओबम होंगे, तो 60 हमको चाहिए मियासिस फीमेल्स में, मेल में 15 चाहिए। इस तरह से देखिए, जब ये 60-60 मिलेंगे तभी तो 60 जायगोट का फॉर्मेशन होगा, 60 जायगोट का, तो टोटल मियासिस कितनी हुई, 15 मियासिस यहाँ हुई, 60 मियासिस यहाँ हुई, इस तरह से देखें टोटल मियासिस हुई 75। मतलब 60 स्पर्म बनाने के लिए 15 मियासिस हुई, मैंने वहां कांसेप्ट सिखा दिया है, और 60 ओबम बनाने के लिए 60 मियासिस हुई। सेम चीज प्लांट के ऊपर भी अप्लाइड होती है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, हाउ मेनी, ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको आने चाहिए, how many meiosis is required for formation of 100 seed, मतलब आपको 60 तरह के सीड बनाने हैं, आपको कितनी मियासिस चाहिए, 100 तरह के। तो अगर आप देखिए मेल में 100 मेल गैमेट पोलिंग ग्रेस बनाने के लिए कितनी मियासिस होगी, तो 25 मियासिस होगी 100 पोलिंग ग्रेस बनाने के लिए। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि पोलिंग ग्रेस क्या है, मेल गैमेट है,
ये बात समझनी है आपको। फॉरेन रेस के अंदर लैंग्वेज है, मतलब अगर आपको 25 फॉरेन रेस, 100 फॉरेन रेस बनाने हैं, 25 मियासिस होगी। मैं गोल कर दे रहा हूँ ताकि आपकी बात याद आ जाए, 25 मियासिस होगी 100 फॉरेन रेस बनाने के लिए। लेकिन अगर आप फीमेल में देखें, तो सेम जैसा एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे एनिमल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। देखिए 100 मियासिस होगी 100 एम्ब्रियो शेक बनाने के लिए, मतलब एक मियासिस में एक ही एम्ब्रियो शेक बनता है, मतलब फीमेल गैमेट बनता है, तो ये भी 100 बनता है। अगर आपसे पूछे टोटल मियासिस कितनी होगी, 125, और ये जब मेल फीमेल गैमेट बनेंगे तो जायगोट्स बनेगा, जायगोट्स से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी बात समझ में किसी तरह से आ जाए कि एनिमल्स मतलब मेल में जब मियासिस होती थी 1 से 4 गैमेट बनते एक सेल से, जबकि फीमेल्स में जब मियासिस होती है 1 पैरेंट सेल से एक ही गैमेट बनता है। 3 क्या होते हैं, 3 डिजेनरेट करते हैं, हम उन्हें पोलर बॉडी कहते हैं। अगर आपकी कोई समझ में आ गया तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं, आप फटाफट सॉल्व कर देंगे। इसका जो दूसरा है सिंपल सा है, फटाफट मैं आपको सिखा देता हूँ, उसे हम लोग कहते हैं जायगोटिक मियोसिस। जायगोटिक मियोसिस साफ साफ नहीं कहा है कि अगर कोई जायगोट है तो इस तरह की मियोसिस कहाँ होती है, जायगोट में होती है। देखिए मियोसिस इन जायगोट्स, जायगोट में मियोसिस होती है, हम लोगों के यहाँ तो गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस होती है, लेकिन कोई कोई केस है जहां पर जायगोट बनाने के लिए मियोसिस होती है। तीसरा देखिए होता है स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस होता है, मे बी ये प्लांट्स के केस में होते हैं, तो आपको स्पोरिक मियोसिस को देखना है, मियोसिस इन स्पोर्स, मियोसिस इन स्पोर्स। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि तीन तरह की मियोसिस होती है, तीनों मियोसिस आपको आनी चाहिए, लेकिन आपको इन क्वेश्चन से ध्यान रखना है। कभी भी गलती मत करिएगा, अगर आपने गलती कर दी तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा, मैं आपको सिखा नहीं पाया। 100 सीड बनाने हैं तो 100 सीड बनाने के लिए 100 जायगोट चाहिए। तो मेल में मैं फिर से समझा देता हूँ, मेल में एक मियोसिस से 4 गैमेट बनते हैं, फीमेल में एक मियोसिस से एक ही गैमेट बनता है। तो अगर फीमेल में 100 गैमेट चाहिए कितनी मियोसिस होगी, 100, मेल में 100 गैमेट चाहिए कितने बनेगी, 25 बनेगी, तो 125 कितना होगी, 125। ऐसे दिमाग चलना चाहिए, इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन गलत मत करिएगा नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। जय बायो जय जी जय सियाजी नहीं हो पाएगा। बेटा जब महाभारत हो रही थी तो श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु इस संसार में ये जो अलग अलग तरह लोग हैं इसका कारण क्या है, ये अलग अलग क्यों है, भारत भी अलग क्यों दिखता है, वेरिएशन क्यों है। श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन इसका कारण मियोसिस है। क्या है मियोसिस, मतलब इस दुनिया में जो आप मुझे देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, उसका मेन कारण है मियोसिस। तो मियोसिस का पहला प्रॉफिट ये है कि सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, अगर गैमेट्स बन रहे हैं तो रिप्रोडक्शन कैसा है, बोलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंपल सी बात है पहली बात। दूसरा देखिए जो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, दूसरा अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें होती है क्रॉसिंग ओवर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन एक ही माँ बाप की 4 संतानें हैं, चारों 4 तरह की हैं, उनमें आपस में कोई भी चीजें तमाम चीजें वेरी करती हैं, तो वेरिएशन का कारण क्या है, रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशन का कारण क्या है, आप लिख सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। लेकिन ध्यान रखें वेरिएशन किसमें, वेरिएशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, पूरी बात रखिए इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें इससे वेरिएशन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात आप ध्यान रखेंगे जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है, फर्टिलाइजेशन से बहुत बड़ा फायदा होता है, क्या फायदा होता है, रिस्टोरेशन ऑफ प्लॉयडी। एनसीईआरटी में क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप नहीं फंसे ना भाई, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तभी तो जो है गैमेट का फॉर्मेशन कौन करेगा, मियोसिस। और ये देखिए ये मेल गैमेट है, यन बराबर 23, क्या है ये स्पर्म है, बोलिए यहाँ सर बिल्कुल स्पर्म है, ये देखिए ओवम है, ये ओवम है, यन बराबर 23, बिल्कुल सर सही बात है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा।
तो जायगोट से क्या फायदा होगा, जायगोट से तो जीवन का निर्माण होता है, 2N = 46। तो जो फर्टिलाइजेशन है उससे रेस्टोरेशन ऑफ गैमेट होता है, लेकिन इस मियोसिस से गैमेट का प्रोडक्शन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वेरिएशन जो है जिम्मेदार है। मतलब इस दुनिया में अगर वेरिएशन है, जो ऑर्गेनिज्म जो सिस्टम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो वेरिएशन है तो उसका एकमात्र कारण जो है वो क्या है, मियोसिस। इसका